चिंपू चलो चलो दूध पी लो। खीर तो तुम लोगों को दादी के घर जाकर मिलेगी। ये दादी की खीर यम्मी। दादी माँ। चिंपू इस बार जल्दी जाने की बात मत करना, चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। दादी के हाथ का खाना इज बेस्ट खाना एवर। क्या चाहिए बेटा? दादी मेरी खीर कहाँ है? बेटा पता नहीं क्यों गांव की गायों ने पिछले कुछ हफ्तों से दूध देना ही बंद कर दिया है। क्या? हाँ बेटा, सभी गांव वाले परेशान हैं। ना जाने क्या मुसीबत पड़ गई है, कोई भी गाय दूध नहीं दे रही है। कोई बात नहीं दादी, चलो सिंपू गांव की ताजा हवा खा के आते हैं। काका राम राम। ये पिंटू यहीं कहीं होगा। अरे पिंटू तुम्हें इतनी खुजली क्यों हो रही है? अरे चिंपू भैया, क्या बताए चिंपू भैया, किसी बदमाश ने मेरी निक्कर के अंदर खुजली का पाउडर मिला दिया है। अब तक तालाब में 10 डुबकी मार चुका हूँ, पर ये खुजली है कि जाती ही नहीं है। मेरे साथ चलो, अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। जहाँ भी खुजली हो रही है इस गोबर को उस जगह पर लगा लो, खुजली तुरंत बंद हो जाएगी। वाह चिंपू भैया, चमत्कार हो गया, खुजली बंद हो गई। आप तो हर चीज में मास्टर हो, हमारे गांव का आइंस्टाइन। बस एक बार पता चल जाए कि मेरी निक्कर में खुजली का पाउडर किसने डाला है, उसकी तो फिर खैर नहीं। क्या हुआ, रुक क्यों गए? पिंटू अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस खेत में एक पुतला देखा था, पर अब वो गायब है। आपने कहीं और देखा होगा, सब खेतों में पुतले होते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। पर मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उस पुतले को यही देखा था। इसका मतलब वो पुतला नहीं था, कोई आदमी वहाँ पर स्केयरक्रो बन के खड़ा था, कुछ तो चक्कर है। सिंपू हमारे लिए एक नया केस आया है, सिंपू तैयार हो जाओ। इतनी रात को तबेले के पास वाले खेत में क्यों जाना है? तुम चलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सिंपू मुझे इस जूते के निशान के पीछे लेके चलो। गई भैंस पानी में, इतनी रात को क्या करने वाले हो? मतलब वो पुतला चलकर यहाँ तक आया और स्कूटर पर बैठकर चला गया। गई भैंस पानी में, पुतला स्कूटर चला सकता है क्या? अच्छा तुम्हें कैसे पता कि ये जूते के निशान उस पुतले के ही हैं? किसी और के भी हो सकते हैं। खेत में कितने लोग आते जाते हैं? वो ही तो पता लगाना है, कल रात को यही मिलते हैं। चलो। हाँ देखा तुम लोगों ने, पुतला वापस आ गया।
हाँ ये तो चमत्कार हो गया। पता लगाना पड़ेगा आखिर ये है कौन। उस पुतले को सारी गायें भैंसों ने घेर रखा है। अरे वो देखो पुतला वहाँ से जा रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं। पिंटू तुम घर जाओ। सिंपो चलो। कहाँ गया वो? दादी ने दूध लाने को कहा है, पर जानते हो सिंपू, गांव में सिर्फ एक ही मिठाई की दुकान है जहाँ दूध मिलता है। हाँ हाँ पता है, आज उस पुतले को पकड़ के ही छोड़ेंगे हम। इतना दूध महंगा हो जाएगा तो कैसे चलेगा? गुलाब चंद, ये तो सरासर नाइंसाफी है। इतना महंगा दूध कहाँ से लाए इतना पैसा? अरे भैया एक मिनट शांत हो जाओ। देखो भैया दूध महंगा तो है ही, लेना है तो लो, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना। अरे हरिया चल जल्दी जल्दी दूध दे इन सबको। हाँ ये तो सब गांव वालों को लूट रहा है। इस स्कूटर की आवाज तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने कल रात सुनी थी। मुझे लगता है इस सब गोलमाल के पीछे ये हलवाई ही है। हमें इसका भांडा फोड़ना होगा। खा लो गौ माता, ये दवा वाला चारा खाती रहो ताकि तुम कभी भी दूध नहीं दे पाओ। और मेरी दुकान ऐसे ही खूब चलती रहे, बस नोटों की बारिश होती रहे, भगवान झूठ ना बुलाए। अरे क्या हो गया आप लोगों को है? पेट भरा हुआ है का? भगवान झूठ ना बुलाए, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। अरे थोड़ा सा खा ले। हाँ? अरे अरे हमारा पिछवाड़ा इतना क्यों खुजला रहा है? भगवान झूठा बुलाए, किसी ने हिलते डुलते देख लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा रे। अरे क्या हो रहा है? अरे क्यों खुजला रहा है पिछवाड़ा? हे भगवान ये क्या मुसीबत है? अरे अरे बचाओ। तुम इस पुतले के भेष में क्या कर रहे हो और ये सांड तुम्हें क्यों दौड़ा रहा है? मैं बताता हूँ। क्या आप सब जानते हो कि गांव की गायों ने दूध देना क्यों बंद कर दिया है? इस गुलाब चंद की वजह से। चिंपू बेटा ये बात तुम्हें कैसे पता चली? जब हमने खेत में पुतले को स्कूटर पे भागते देखा तब हमने पता किया कि वो कोई पुतला नहीं गुलाब चंद ही है जो गायों को दवाई वाला गंदा चारा खिला रहा है। उसके बाद हमने गुलाब चंद की स्कूटर पे खुजली वाला पाउडर लगाया, पुतले की ड्रेस पर लाल कपड़ा लगा दिया। उसके बाद हम पिंटू की मदद से इस बैल को तबेले में लेके आए। समझ गए हमारा प्लान? मान गया चिंपू, तुम आइंस्टाइन हो आइंस्टाइन। क्यों गुलाब चंद जी, ऐसा ही हुआ था ना? भगवान झूठ ना बुलवाए, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। देखो देखो माफ कर दो, तुम्हारे बाप जैसा हूँ रे। देखो काल पकड़ता हूँ, ये लो पकड़ लिए, ये उठक बैठक करता हूँ। एक दो तीन, अब तो माफ कर दो। प्लीज प्लीज इस बार छोड़ दीजिए इन्हें, अगली बार कुछ गलत किया तो इन्हें पुलिस को सौंप देंगे। चिंपू ठीक कह रहा है, हर गुनहगार को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए और हमें चिंपू का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने अपनी होशियारी से इसकी चोरी पकड़ी।
नहीं बेटा, मैंने तेरे लिए डब्बा भर के खीर बना दी है, मन भर के खा लेना। थैंक यू माय स्वीट एंड लविंग दादी। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय। एंड ऑफ क्राइम, इट्स सेल्फी टाइम।